A very good morning, students, to all. Today we are just going to start Robinson Crusoe discovers a footprint. Sixth chapter है ये students. इसमें देखिए Robinson Crusoe के बारे में हम पढ़ रहे थे. अपने जो पहले वाला जो पार्ट था first part, we have just read about it कि जो Robinson Crusoe है वो कैसे एक आइलैंड पे अकेला रहता है. ठीक है, तो उसके बारे में ऐसे ही सडनली एक दिन वो फुटप्रिंट देखता है. ठीक है, तो क्लास फिफ्थ का ये चैप्टर है. तो चलिए हम इसकी जो स्टोरी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि जो Robinson Crusoe है वो एक आइलैंड पे अकेला रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बोट की तरफ जा रहा होता है वो एक दिन फुटप्रिंट देखता है. ठीक है, एक बड़े से फुटप्रिंट देखता है. किस पर? रेत पर देखता है. और वो बहुत अमेज्ड हो जाता है, बहुत हैरान हो जाता है. वो बहुत सुनने की कोशिश करता है, इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता. वो ऊपर जाके भी देखता है, बहुत ऊंचाई पर जाके देखता है, बहुत नीचे जाके देखता है, फिर समुद्र के किनारे आके देखता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता वहाँ पर उस फुटप्रिंट के अलावा. तो फिर उसे लगता है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया है. तो फिर वो दोबारा देखता है, तो फिर वो देखता है कि नहीं, वो तो सच में ही एक फुटप्रिंट है. और फुटप्रिंट में मीन्स उसके टोज भी हैं, हील भी है, जो एड़ी है वो भी है, और जो उसके अंगूठे के निशान हैं, और जो सारी चीज़ें होती हैं, जो पैरों के पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें थी. तो इट मीन्स वो एक फुटप्रिंट ही था, और बड़ा सा फुटप्रिंट था. तो चलिए हम, वो डर के मारे डर जाता है. और फिर देखिए वो क्या कहता है आगे, अपने जैसे केव होती है, जो कैसल होता है उसमें आता है, केव रूपी जो कैसल बना रखा होता है वो आता है उसके अंदर, और फिर डर के उसके अंदर लेट जाता है. लेकिन फिर वो सो नहीं पाता, और फिर वो ये सोचता है कि कहीं सच में ही तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो दानव हो, जो वाइल्ड एनिमल है वो हो, या फिर वाइल्ड जो लोग हैं, जंगली जो लोग हैं वो आएँ और उसे, उसकी बोट को देख लें और फिर उसे खा जाएँ दोबारा उसकी बोट को वहाँ पर देख के. तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कहीं वो वापस आके उसे खा ना जाए. एंड सो आई ले फियरफुली फॉर मैनी डेज एंड प्रे फॉर प्रोटेक्शन. और मैं बहुत दिनों तक मतलब वहाँ पर सोया रहा, और फिर बहुत डरा हुआ था वो. ठीक है, और प्रे करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा अपनी, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेबल एंड बिगिन. और फिर ऐसा करके मैं कुछ सुरक्षित महसूस करने लगा. एंड बिगिन गोइंग, और फिर मैंने दोबारा जाने का निश्चय किया. उसने बोला कि मैं दोबारा जाना चाहता था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जाँच करने के लिए कि बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन तब भी मैं अगर आगे जा रहा था तो आई लुक्ड बिहाइंड मी, मैं पीछे देखता हुआ जा रहा था, एकदम से पीछे मुड़ के देखता, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था. हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड शॉ नथिंग, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर. मैं 2-3 दिन तक मतलब मैंने देखा, मैं गया लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ नहीं देखा. आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, मैं कुछ साहसी, मेरे अंदर कुछ हिम्मत आ गई थी. I decided to go down to the shore again and examine the footprint on more, once more. तो मैंने दोबारा वहाँ जाने का निर्णय लिया, और दोबारा ये फुटप्रिंट को जांचने का निर्णय लिया. I decided to measure, मैंने उसे मापने का निर्णय लिया कि it with my own print. फुटप्रिंट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा ही फुटप्रिंट तो ना हो. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उसके क्लोज आया, बहुत पास आया उस फुटप्रिंट के, दैट आई कुड नॉट बी फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट टू द बीच सीन्स अ लॉन्ग टाइम. वो मेरा नहीं था क्योंकि मैं बहुत दिनों तक उस बीच के जो पार्ट था वहाँ पर नहीं आया था. Secondly, I placed my foot alongside that footprint. मैंने अपना जो फुट है उस फुटप्रिंट पर रखा, तो वो बहुत बड़ा था फुटप्रिंट जो था. It seems larger than my own. वो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा था मेरे फुटप्रिंट से. My fear returned. मेरा जो डर था वो वापस आ गया. I went home again. मैं दोबारा घर चला गया, believing that there was someone else, इस विश्वास के साथ कि सच में ही कोई वहाँ पर है और कोई वहाँ पर रहता है मेरे अलावा. The island was inhabited, जो आयरलैंड है वहाँ पे और भी कोई
पसा हुआ था, मतलब मेरे अलावा, क्योंकि रॉबिन्सन जो क्रूजो है वो क्या सोचता था पहले कि वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अकेला ही रहता है और कोई भी नहीं रहता उसके अलावा। तो जैसे ही उसने वो फुटप्रिंट देखा था तो उसे बहुत अमेज्ड हुआ था, इसलिए वो उसकी खोज में, उसकी सर्च में निकल गया कि शायद कि मतलब मेरा ये वहम हो कि वहाँ पे, क्योंकि और इतने साल हो गए मुझे, 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अब कौन हो सकता है। तो एक दिन जब उसने देखा तो फिर वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन जब उसने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको जांचा पड़ताला, तो उसे यकीन हो गया कि सच में ही मेरे अलावा यहाँ पर और भी कोई रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपके ये कुछ वर्ड मीनिंग है, सेवेजेस वाइल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, जंगली लोग, मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यूसली एक्सटेंड ऑफ लैंड, जो रेत है, ठीक है, उसके बड़े बड़े जो मैदान होते हैं वहाँ पे, वंडर्ड होता है, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट। ये आपका होमवर्क है आज का, टिक द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू एंड फॉल्स, जो आपको अपनी नोटबुक में करना। स्टूडेंट्स ये देख लीजिए आपका होमवर्क है, ये देख लीजिए, फर्स्ट का है इसका, वॉज अफ्रेड, रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, क्यों नहीं सो सका वो, क्योंकि ही थॉट सेविजेस, जो वाइल्ड जो लोग हैं वो कहीं मेन लैंड से आना जाएं और उसे खाना जाएं, ठीक है, तो वो कहीं आना जाएं, इस डर से वो रात भर सो नहीं पाया। थर्ड का आंसर है, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूजो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, क्योंकि ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट, क्योंकि वो इस हिस्से पर बीच के बहुत समय से नहीं आया था। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो along on his on an island, ठीक है, और इसमें से देखिए true and false, I was surprised to see the footprint of a woman on the sand, wrong है ये, क्योंकि एक man का देखा था उसने footprint, false है। I did not sleep that day, मैं उस रात नहीं सो पाया, true है ये। The island was not inhabited, वहां पे कोई बसा हुआ नहीं था, सच है वहां पे कोई भी बसा हुआ नहीं था, लेकिन लास्ट में जब उसने देखा कि हाँ यहाँ पे मतलब जो उसने इन्वेस्टिगेट किया बहुत वो करने के बाद, तो उसे पता चल गया कि हाँ वहां पर कोई सच में बसा हुआ था, ठीक है, तो ये ट्रू है कि वो कोई बसा हुआ था। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ऑन फुटप्रिंट फुटमार्क्स, मैंने ये नापने की कोशिश की अपने फुटमार्क्स से, सही है ये। आई ले फियरफुली फॉर सम डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, ट्रू है ये, ठीक है। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ये आपको खुद से इसमें सर्च करके करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं अपनी।